तो चलिए इस वाली वीडियो में बात कर लेते हैं बीजेपी के एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट से कॉन्सेप्ट की, जो है बीजेपी में पीयर ग्रुप का। अच्छा, पीयर ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? हमने, अगर आपको ध्यान हो, लास्ट की जो कुछ वीडियोस थी, स्पेशली जो आईबीजेपी की कॉन्फ़िगरेशन वाली है ना, कि मान लो आपके जितने भी एचपी राउटर्स हैं और उनको आपने कॉन्फ़िगर करना है एज आईबीजेपी राउटर्स, है ना। तो हमने क्या देखा था कि जितने भी आपके राउटर्स हैं आईबीजेपी में स्पेशली, उनमें हम फुल मैश की नेबरशिप करते हैं। रीजन क्या था उसका? कि वहां पे लूप ना बने आपके आईबीजीपी में, ठीक है। तो अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पिछली को जो भी वीडियो है हमारे इस रिस्पेक्टिव टॉपिक के ऊपर इस प्लेलिस्ट में, वो जरूर देख लीजिएगा, तभी ये बात की बातें समझ आएंगी। स्पेशली पीयर ग्रुप का तो कॉन्सेप्ट तभी समझ आएगा। इसी के लिए हमने यहाँ पे रीचेबिलिटी के लिए क्या चलाया था, कोई भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी मैं इसमें EIGR की मान के चलता हूँ। और जब हम बात कर रहे हैं आईबीजीपी की, तो मैं सिंगल AS की यहाँ पे मान लो बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज योर AS 100 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे EIGRP में भी यूज कर लेता हूँ कोई भी आप AS नंबर, मान लो मैं इन दोनों को सिंक करने के लिए दोनों जगह सेम 100 100 यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आ गया। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3, 5 या 6 राउटर्स बनाए हैं, पर इमेजिन करिए आपके बड़े बड़े जो प्रोवाइडर्स लेवल के नेटवर्क्स हैं, वहां पे कितने राउटर्स होंगे ऐसे एज पे, जिनके बीच में आपको बीजेपी की नेबरशिप करवानी है आईबीजीपी। तो बहुत तामझाम, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होंगी। मान लो अगर 100 राउटर्स की मैं बात करके चलो, है ना, तो ये R1 को बाकी और R99 के साथ जब कॉन्फ़िगरेशन, तो इस वाले के साथ आपको नेबरशिप, इसके साथ नेबरशिप, इसके साथ। तो और एक नेबर के लिए मान लो आप क्या लिखते हो जनरली, कि भाई ये नेबर हुआ आपका, मान लो आपने नेबर बनाया है 15.1.1 को, ये रिमोट AS आपका सेम होगा, है ना। तो आप राउटर बीजेपी 100 में है, और वो भी आपका, क्योंकि आप आईबीजीपी। अच्छा, अब सोचो जरा, इसके अंदर आपने अगर नेक्स्ट होप सेल्फ चलानी है, तो नेबर 15.1.1 नेक्स्ट होप सेल्फ हो गया। फिर आपने मान लो इसमें कोई बीजेपी में ऑथेंटिकेशन करनी है, पासवर्ड लगाना है, वर्जन डिफाइन कर, वैसे तो ये वर्जन वाली तो ऑप्शन, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारी अगर कमांड्स हैं उसके अंदर। तो मान लो आपने लूप बैक से नेबरशिप बना रखी है, तो यहाँ पे अपडेट सोर्स लूप बैक यहाँ पे ये डिफाइन कर, 5-6 एक नेबर के साथ कमांड। और ऐसे अगर 100 नेबर है तो कितनी कमांड होगी आपकी, 500 600, समझ पा रहे हैं। इस तरह के केसेस में राउटर के एक तो रैम पे लोड पड़ रहा है। रैम पे क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल्स एंट्री दे रहे हैं, ठीक है। तो एक एंट्री मतलब रैम का स्पेस आप कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा CPU पे भी। अच्छा, जितने भी नेबर के साथ आप ये बाउंडिंग करवा रहे हो, तो आप हर एक को अलग अलग अपडेट पैकेट भेज रहे हो अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। तो CPU भी वेस्ट हो रहा है। इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं, पीयर ग्रुप का कॉन्सेप्ट। और पीयर ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कि आप ना ये नेबर बाय नेबर सारी इंडिविजुअल कमांड्स मत कॉन्फ़िगर करिए इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, एक पीयर ग्रुप बना लो। आपने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया है, एक पीयर ग्रुप। और मान लो पीयर ग्रुप आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है कि जी आप बीजेपी में गए, इसमें कमांड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इधर ही बता दे रहा हूँ, लास्ट वीडियोज की तरह ना, वो अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप पीयर ग्रुप बता दोगे नेबर के साथ, पीयर ग्रुप नाम दे दो कुछ भी पीयर ग्रुप का। मान लो मैं क्या नाम दे देता हूँ, मैंने टोपोलॉजी में आई गैस यूज किया हुआ है पीयर ग्रुप के नाम से, है ना। तो नेबर और अंडर पीयर ग्रुप टेस्ट PG ऐसा कुछ आता है ना। तो यहाँ पे आई गैस टेस्ट PG ही लिखा, नाम आता है पहले और फिर लिखना पड़ता है पीयर ग्रुप, वो देख लेंगे। तो मैं फिलहाल टेस्ट PG, हाँ ये इस तरह से रहती है कॉन्फ़िगरेशन आपकी, है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है पीयर ग्रुप, ये है आपका सिंटेक्स, ये वाला नेबर लिखना है, और ये यहाँ पे कोई भी एक नाम जो आपको देना है, ठीक है, XYZ test 1 test 2। अच्छा, उसके बाद इतना काम खत्म। और यहाँ पे आपको डालनी है अपनी जो कॉमन कमांड्स, यहाँ पे आती है कॉमन कमांड्स। वो क्या होगी कि भाई तुम्हारा अपडेट सोर्स है, तुम्हारा वर्जन है, तुम्हारा पासवर्ड है, तो ये एक बार लिख दी, इंपॉर्टेंट समझना कितनी बढ़िया वाली है, एक बार आपने लिख दिए, ठीक है। फिर आप नेबर बनाओगे, ठीक है, नेबर किसके साथ, आपने मान लो 15.1.1.1 के, और यहां पे लिख दोगे ये नाम टेस्ट PG। बस मतलब क्या हो गया कि जितने भी इसके अंदर ये कमांड्स होगी ना, ये खुद चल जाएंगी इस नेबर के लिए। सोचो, तो सिर्फ आपको नेबरशिप अगर 100 राउटर से करानी है, तो कितनी कमांड चलानी पड़ी, 99 या 100 कमांड्स, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो 105।
तो 500 कमांड की बजाय आपका काम सिर्फ 100 से 105 कमांड्स में हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए यूज करते हैं हम बीजीपी का पीयर ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जान लेते हैं कि जैसे लार्ज स्केल बीजीपी इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली आपका आईबीजीपी के लिए, क्योंकि अगर ईबीजीपी की आप बात करो ना तो उसमें इतनी नेबरशिप नहीं रहती ज्यादा आपके प्रोवाइडर्स के लिए। बट हाँ, अगर आपका प्रोवाइडर उस लेवल का है कि इसी तरह से हंड्रेड्स ऑफ ईबीजीपी भी आप नेबरशिप मैनेज कर रहे हैं तो हाँ आप वहां पे भी यूज। तो इसको ईबीजीपी या आईबीजीपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, आप दोनों में से किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये बीजीपी के लिए मैंडेटरी नहीं है, आप चाहते हो करना तो कर सकते हो, बट नहीं चाहते तो कुछ यू नो वो नहीं है कि अगर आप पीयर ग्रुप का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे तो बीजीपी में कोई दिक्कत आएगी आपको नहीं। ये टोपोलॉजी यूज करूंगा मैं यहाँ पे समझने के लिए वाला कॉन्सेप्ट, लैब करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में। और कमांड तो चलो मैं बता ही दूंगा तुम्हें फिर, तो कुछ और बातें क्या है इसके बारे में ये जानना जरूरी है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे इस वाले वीडियो में, तो है ना। तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कुछ और बचा जो हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस किया हो। रैम का मैंने तुम्हें बता दिया कैसे सेव कर सकते हो, सीपीयू का मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे आपको मल्टीपल अपडेट मैसेजेस ना भेज के सिंगल अपडेट मैसेज से टाइम वाला काम चल जाएगा आपका। तो हाँ, एक और चीज है कि मान लो ना आपको सारे नेबर्स के साथ कुछ कमांड नहीं चलानी, एक नेबर के साथ कुछ एक कमांड आपको एक्स्ट्रा रखनी है जो बाकियों के साथ नहीं करनी, उसको आप कमांड को ना पीयर ग्रुप की कमांड के अंदर मत डालो, अलग से नॉर्मली चलेगी जैसे बीजीपी की कमांड चलती है, नेबर दिस एंड जो भी चेंज आपको करना है, ठीक है। तो कॉमन कमांड जो सारे नेबर्स पे चलनी होंगी पीयर ग्रुप के अंदर सिर्फ वो डाली जाती है, ठीक है। और आईबीजीपी ईबीजीपी मैंने बोला कि अलग अलग के लिए अलग अलग पीयर ग्रुप आप कॉन्फिगर कर सकते हो। और मान लो एक राउटर वन और राउटर टू जैसे जुड़े हुए हैं ना, तो राउटर वन पे अगर पीयर ग्रुप बना रहे हो इधर के लिए इन राउटर्स के लिए, और राउटर टू पे अगर पीयर ग्रुप बना रहे हो इन राउटर्स के लिए, तो जरूरी नहीं है कि भाई इधर आपने जो कमांड डाली है इधर वाली साइड के पीयर ग्रुप में भी सेम कमांड हो, नहीं, इंडिविजुअल कमांड्स हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी, राइट। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो पर राउटर आप कॉन्फिगर कर सकते हो अपने पीयर ग्रुप को, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और कॉन्सेप्चुअल बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैब की। And yes, I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye. And yeah, keep smiling.